रानिया मलिक एंड वेलकम टू लक्सियत यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो जी अभी हम इस वक्त हैं सफ़र में और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कि हमारे शहर हाल में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, मतलब जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो मतलब सही तरह से लिख नहीं सकते, मतलब अल्लाह ताला ने हमें तो अभी हम लोग जा रहे थे कि ऐसे स्कूल में जहाँ पे गूंगे बहरे बच्चे पढ़ते हैं। तो हमने सोचा कि आज के दिन हम उन लोगों से मिलेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ मतलब उनके लिए सरप्राइज़ है जो उन लोगों को देंगे। लेकिन कहाँ जाना है मतलब मुझे सही लोकेशन नहीं पता, वो आपको बताएंगे लकी सैयद। तो अभी मैं जो व्लॉग है ना वो मैं लकी सैयद की तरफ करती हूँ। सीन कुछ ऐसे थे कि हाँ, हमारे इलाके के साथ ही एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर गूंगे और बहरे बच्चों को तालीम दी जाती थी। तो थोड़ा मेरे माइंड के अंदर चल रहा था कि उनके लिए कोई सरप्राइज़ ले लिया जाए, कोई गिफ्ट्स ले लिया जाए और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए और आपको भी दिखाया जाए कि गूंगे बहरे जितने भी बच्चे हैं उनकी जो स्टडी है वो कैसे होती है, उनको कैसे तालीम देते हैं, कैसे पढ़ाते हैं उनके उस्ताज़। तो अभी हम लोग जाते हैं वहाँ पे, मिलते हैं उन लोगों से और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं कि किन किन बच्चों से हमारी दोस्ती होती है और क्या क्या सरप्राइज उनके लिए हमने रखे हुए जो हम लोग उनको देंगे। सो लेट्स गो। तो तकरीबन 30 से 40 मिनट का सफर तय करने के बाद अभी हम अपने लोकेशन पे पहुंच आए थे और यहाँ पे हमें एक शॉप नजर आई है। तो इस वक्त जवेद भाई लोग अंदर हैं, वो चीजें ले रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये बच्चों के लिए जो लेने थे लेज वगैरह निम्को वो ले लिए, अभी रखते हैं गाड़ी में, वो पीछे गाड़ी में रख रहे हैं। तो वो सब ये लेके फिर निकलते हैं। A few moments later. रोशन चला रे नाम लेकर। तो इस वक्त यहाँ पे मिलाद हो रहा था, तो अभी लकी सैयद आया तो ये सब बच्चे उनको सलाम देने के लिए खड़े हुए हैं। तो अभी ये सलाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे ही इनकी महफिल ख़त्म होगी उसके बाद लकी सैयद जो जो चीज़ें लेके आए वो इन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। A few moments later. और बच्चे बहुत एक्साइटेडली जो है वो अपने मेहमानों को वेलकम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी काविश को बुलंद कबूल करे। नहीं मैं तो फिर और क्या।
मशहूर है और मैं अपने मेहमान को जो नकी सैयद साहब उनको दावत दूंगी स्टेज पे कि वो इस दिन की मुनासबत से और इन बच्चों से इन बच्चों के हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं जो बात करना चाहते हैं वो अपने दिल की आवाज़ इन तक पहुँचाए। जिसको आवाज वाली है उनको दूसरों को उठाने की ताकत। अच्छा सबसे पहले यह है कि मैं स्पेशल स्कूल के बच्चों के पास कल कर रहा हूँ लेकिन आते हुए मैं ये सोच रहा था कि बड़ा तंग करेंगे बदनस्मी होगी सारा कुछ लेकिन जब यहाँ में आए यहाँ देख के और आपका नजर देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। हाँ और उम्मीद है अगर किसी और स्कूल के बच्चों के पास गए ऐसी चीज़ें गई तो वो कन्फर्म बात है कि काम करते हैं रिवील करते हैं। अच्छा ऐसे आप लोग ऐसे कर रहे हो मैं ये समझ रहा हूँ आप लोग होनी चाहिए हम तो इस वक्त लकी सैयद को ये छोटे छोटे बच्चे फैंस मिल चुके हैं जो इनके सब पिक्चर्स ले रहे हैं तो अभी इस वक्त मिलाद जो था वो सारा ख़त्म हो चुका है और अभी यहाँ पे बच्चे पिक्स ले रहे हैं इनके साथ इनके बहुत ही बड़े फ़ैन हैं।